हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज वी आर हेयर विद लेक्चर नंबर सेवन फॉर इंश्योरेंस फॉर यू पी एस सी ए पी एफ सी का जो आपका एग्जाम है अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर कोई बच्चा ए ओ ई ओ का पेपर दे रहा है सिर्फ ए पी एफ सी का फॉर्म नहीं भरा है तो वो यहाँ पर अपना बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करे इंश्योरेंस वाले लेक्चर्स के अंदर इंश्योरेंस सिलेबस में नहीं है ए ओ ई ओ के ओके सो दिस इज ओनली फॉर ए पी एफ सी ओके सो लेक्चर नंबर सेवन है दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि पिछले सारे लेक्चर आपने कवर कर लिए होंगे सारे लेक्चर्स कवर करोगे तभी आपको बेनिफिट होगा अल्टीमेटली एंड यूट्यूब के जितने भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं एओ और एपीएफसी के उनके पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगे लिंक uh, में डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स जरूर एक्सप्लोर करें इसका ना एक फ्री टेस्ट भी डला हुआ है ठीक है तो अगर आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स के मैंने तीनों के टेस्ट डाले हुए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस का गैप का सोशल सिक्योरिटी का तीनों का एक एक टेस्ट डाला हुआ है वो फ्री है उसको भी एक बार आप करके देख सकते हो बिफोर परचेजिंग इट एंड ये काफी यूजफुल आपके लिए रहने वाला है एंड जब आप ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको पीडीएफ के लिए कोर्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीडीएफ फाइल्स फिर इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी ओके तो लेटेस्ट कम टू आर टॉपिक्स फॉर टुडे आज के हमारे सिंपल से दो टॉपिक्स हमने करने हैं एक तो सबसे पहले हम प्रीमियम पेमेंट पैटर्न्स देखेंगे कि प्रीमियम पेमेंट पैटर्न क्या क्या होते हैं किसी भी इंश्योरेंस प्लान के अंदर और फिर हम टर्म इंश्योरेंस प्लान को समझेंगे दोस्तों की ये टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है इसके अंदर के कुछ की फीचर्स देखेंगे जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं तो स्टार्ट करेंगे प्रीमियम पेमेंट पैटर्न से तो चार हमारे पास प्रीमियम पेमेंट पैटर्न आते हैं हमें बहुत ब्रीफली समझना है कि इनका मतलब क्या होता है सिंगल प्रीमियम लेवल प्रीमियम लिमिटेड प्रीमियम एंड फ्लेक्सिबल प्रीमियम तो बहुत ब्रीफली समझेंगे कि क्या क्या मीनिंग होता है इनका सबसे पहले बात करते हैं सिंगल प्रीमियम सिंगल प्रीमियम आपको टर्म पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि क्या होगा बेसिकली आप कोई प्लान ले रहे हो ठीक है तो आप उस प्लान की वन टाइम लंसम पेमेंट कर रहे हो ठीक है एक बार में आपने बोला हाँ भी बता मेरे को ये इंश्योरेंस प्लान देना इसका मेरे को बता कितना प्रीमियम बनता है मेरे को हर रोज हर महीने हर तीन महीने में पेमेंट नहीं करना है हम जो है इसका पेमेंट एक साथ जो है वो कर देंगे ठीक है तो सिंगल प्रीमियम बेसिकली इसका रहेगा ओके सो so, इसके अंदर जो है सिंगल कैश सम विच पेज द एंटायर रिस्क इंकर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी ओके तो सारे का सारा आप एक बार में भर रहे हो काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत लार्ज सम पे करना पड़ेगा जो आप प्रीमियम्स में हर महीने हर साल में भर भरते हो वो आपको एक बार में पे uh, करना पड़ेगा तो इस, इसी इसी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस नहीं रहता है। इसके ना फेमस होने का एक और रीजन भी है क्योंकि लेवल प्रीमियम का एक एडवांटेज है वो भी मैं आपको जब लेवल प्रीमियम बता दूंगा तो उसके बाद हम देखेंगे लेवल प्रीमियम देखो अब ज्यादातर लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज तो है नहीं कि वो सिंगल टाइम में अपनी प्रीमियम पे कर दें तो लेवल प्रीमियम में क्या होता है आप जो आपकी प्रीमियम कैलकुलेट होगी ना इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी फॉर एग्जांपल आपकी 10 साल की पॉलिसी है ठीक है उस पॉलिसी की जो आपकी टोटल प्रीमियम बनती है वो एक लाख रुपए बनती है तो वो क्या करेगी वो इस एक लाख रुपए को आपके एमोटाइज कर देगी ये जो सिंगल प्रीमियम कॉस्ट है इसको ड्यूरेशन के अंदर डिवाइड कर देगी ठीक है वो अब आपके ऊपर होगा कि आप कितनी ड्यूरेशन के ऊपर चाहते हो कई प्रीमियम ऐसी होंगी जो पूरे कवरेज पीरियड के अंदर आपको पे करनी होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपकी दस साल तक की पॉलिसी है तो 10 साल तक ही आप उसकी प्रीमियम भरते रहोगे हर साल या हर महीने तो जब तक आपका पॉलिसी का कवरेज पीरियड है तब तक आप प्रीमियम भर रहे हो ठीक है दूसरा शॉर्टर पीरियड भी आप चूज कर सकते हो शॉर्टर पीरियड बेसिकली एक दूसरा टाइप ऑफ प्रीमियम आ जाता है लेकिन लेवल प्रीमियम में मेनली बात करते हैं पॉलिसी कवरेज पीरियड की कि 10 साल की पॉलिसी है तो 10 साल तक आप प्रीमियम भर रहे हो लेवल प्रीमियम अब आप चूज कर सकते हो कि आपको एनुअली भरनी है साल में एक बार हाफ ईयरली साल में दो बार क्वार्टरली या मंथली वो आपके ऊपर है ओके जी नाउ ये एक अप्रोप्रिएट फॉर्म है क्योंकि देखो अब इसमें क्या होता है ना जैसे सिंगल प्रीमियम आपने ले ली सिंगल प्रीमियम में भी जिस चीज के लिए आप प्रीमियम ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल आपने फायर इंश्योरेंस ले रखी थी आपने एक टाइम में भर दी या आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी थी तो अगर कोई कॉन्टिंगजेंसी होगी फॉर एग्जाम्पल आग लग गई तो प्रीमियम का पैसा पॉलिसी का पैसा तो सिंगल वाले को भी उतना ही मिलेगा जितना लेवल प्रीमियम वाले को मिलेगा सिंगल वाले को कुछ अलग नहीं मिलने वाला है लेवल प्रीमियम वाले को भी उतना ही कवरेज मिलेगा और इसी वजह से सिंगल प्रीमियम जो है वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है ठीक है तो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल इंश्योरेंस का क्या है लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और आपका लेवल प्रीमियम भी आपको सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और सिंगल प्रीमियम भी सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इसीलिए सिंगल से ज्यादा लेवल प्रीमियम जो है वो लोगों के अंदर पॉपुलर रहता है फिर आ जाता है आपका लिमिटेड पेमेंट लिमिटेड पेमेंट जो है आपका देखो अब दो एक्सट्रीम एंड्स हो गए एक हो गया आपका सिंगल प्रीमियम और एक हो गया आपका लेवल प्रीमियम जो लिमिटेड प्रीमियम है ना वो इन दोनों के बीच में आता है ठीक है अब लेवल प्रीमियम मैंने आपको बोला कि जब तक आपका कवरेज चल रहा है जब तक आपकी पॉलिसी का कवरेज चल रहा है तब तक, तक आपकी आपकी प्रीमियम भी चलती रहेंगी ठीक है सिंगल प्रीमियम में आपने एक बार में पे कर दिया लिमिटेड पेमेंट में क्या होगा अब आप इसको पूरा जब तक पॉलिसी का कवरेज है तब तक नहीं पे करोगे ठीक है पॉलिसी कवरेज से पहले ही ये खत्म हो जाएगा आप सिंगल टाइम पे भी नहीं पे कर रहे हो लेकिन पॉलिसी कवरेज से पहले खत्म हो जाएगा ओके फॉर एग्जांपल आपने 10 साल की कवरेज ली है ठीक है लेकिन आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पांच साल के अंदर ही पूरी हो जा रही हैं प्रीमियम तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम लिमिटेड प्रीमियम बोलते हैं तो लिमिटेड प्रीमियम में जो प्रीमियम बनेगी जाहिर सी बात है वो लेवल प्रीमियम के मुकाबले ज्यादा होगी क्योंकि आप कम समय में प्रीमियम्स को पे कर रहे हो और सिंगल प्रीमियम से कम होगी ओके okay? फिर आ जाता है आपका फ्लेक्सिबल प्रीमियम प्लान फ्लेक्सिबल प्रीमियम प्लान बेसिकली क्या होता है इसके अंदर जैसे बाकी प्रीमियम प्लान के अंदर तो क्या होगा ना इंश्योरेंस कंपनी आपका फॉर एग्जाम्पल आपने लेवल प्रीमियम में मंथली प्रीमियम ले ली तो वो आपकी हर महीने की प्रीमियम बांध देगी कि इतने महीने इतनी आपने प्रीमियम देनी है

ठीक है भाई मिनिमम तेरे को सौ रुपए तो भरना ही भरना है साल में अपना प्रीमियम का और मैक्सिमम तू एक लाख रुपए भर सकता है तो एक तरीके से अब इसके बीच में जो तेरे को चूज करना है वो तू तो चूज कर ले ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल प्रीमियम प्रीमियम प्लान तो ये आपके प्लान्स हो गए अब हम थोड़े से प्लान को भी देखेंगे जो बेसिक इंश्योरेंस के प्लान होते हैं ना उनको देखेंगे उसमें सबसे पहले हम टर्म इंश्योरेंस प्लान करेंगे अपने इस लेक्चर में अब टर्म इंश्योरेंस प्लान ही सबसे बेसिक प्लान ऑफ इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान बेसिकली क्या होता है इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो ये आपको फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले लिया ठीक है आपने दस साल के लिए इंश्योरेंस लिया आपका जो पीरियड है वो आपको दस साल के लिए कवर करता है ठीक है जब आपके दस साल पूरे हो गए ठीक है इन केस डेथ हैज नॉट अकर्ड आपने लाइफ लिया था कि डेथ हो गई तो भैया पैसा मिलेगा लेकिन डेथ हैज नॉट अकर्ड तो उसके बाद दस साल पूरे होने के बाद क्या आपको जो आपने प्रीमियम्स पे करे हैं वो पैसा मिलेगा क्या आपको इसकी कोई सरेंडर वैल्यू है सरेंडर वैल्यू टर्म हम पहले लेक्चर में समझ चुके हैं तो क्या इसकी कोई सरेंडर वैल्यू है तो टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होती फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूटर की इंश्योरेंस लेते हो आप अपने एक्टिवा की इंश्योरेंस लेते हो या आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें आप एक प्रीमियम भरते हो ठीक है एक साल बाद अगर वो प्रीमियम खत्म हो जाती है तो क्या आपको वो पैसा वापस मिलता है अगर आपने उसको यूज ही नहीं किया तो भी क्या आपको पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है तो बेसिकली ये क्या करता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए जितने पीरियड की वो पॉलिसी है और जितने सम की वो पॉलिसी है बट इसके अंदर आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आपकी पॉलिसी का पीरियड जो है वो खत्म हो गया ओके okay? लाइफ हो चाहे कोई भी पॉलिसी हो और राइट अब इसका जो पीरियड है वो छोटा से छोटा एक साल की भी हो सकती है जैसे आपके व्हीकल्स की होती है या आप बड़ी से बड़ी ट्वेंटी फाइव ईयर्स की भी ले सकते हो लेकिन कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होगी तो इसमें इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं है इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप हर साल प्रीमियम भर रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि पच्चीस साल बाद पॉलिसी पूरी होगी तो वापिस मिल जाएगा पैसा इसमें कोई नहीं वापिस मिलेगा और इसी वजह से ये चीप होती है ठीक है सस्ती होती है काफी क्योंकि इसके अंदर पैसा तो कोई वापस नहीं मिलना लेकिन हाँ फिर भी इसको काफी लोग लेते हैं जो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रीमियम्स नहीं पे कर सकते और जिनको एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी चाहिए कि भैया कल को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा वो इसको बेसिकली लेते हैं ऑल और जितना ज्यादा सम एश्योर्ड होगा उतना ज्यादा टर्म का कवर होगा उतना लंबे समय के लिए आपको कवर किया जाएगा एंड जो बेसिकली जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होते हैं जिनके पास पैसे खर्चने को कम होते हैं मैंने आपको बताया कि उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है ये पॉलिसी एक्सक्लूजन अब देखो इसमें ताकि एक मॉरल स्टैंडर्ड uh, को मेंटेन रखा जा सके आपने अब किसी ने बंदे ने पॉलिसी uh, ले ली टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया ठीक है प्रीमियम बहुत कम है अब वो जाकर के इंश्योरेंस प्लान लेकर के उसे लगता है यार मेरे घर वालों को पैसा मिल जाएगा चलो मैं खुदकुशी कर लेता हूँ सुसाइड कर लेता हूँ तो इस टाइप ताए, इस टाइप के इंसिडेंट्स ना हो इसीलिए इसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन होती हैं तो सुसाइड एक यूनिवर्सल एक्सक्लूजन है डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक साल के अंदर अंदर सुसाइड कमिट कर लेता है उसके अलावा कई पॉलिसीज के अंदर वॉर सिविल कमोशन जब भी लड़ाई हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी लड़ाई होगी तो हम क्या करें ठीक है तो वॉर सिविल कमोशन सिविल अनरेस्ट हो गया कंट्री के अंदर ये सारी चीजों को एक्सक्लूडेड रखा जाता है ओके

उसके बाद तीस परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा एवरी थ्री तो पहले तीन साल के लिए तो आपकी एक लाख की ही कवरेज रहेगी और फिर चौथे साल में तीस परसेंट इंक्रीज हो जाएगा तीस परसेंट इंक्रीज होकर एक लाख का कितना हो गया एक लाख तीस हजार हो जाएगा आपका कवरेज ठीक है उसके बाद फिर तीन साल बाद वो 30 से इंक्रीज हो जाएगा तो ये होता है आपका इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान कई बार इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो किसी एक एक्सटर्नल इंडेक्स जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर भी लिंक कर देती है कवरेज को डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है इसका एग्जाम्पल समझ लो अपने आप समझ में आ जाएगा जैसे इंक्रीजिंग के अंदर तो इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है कवरेज डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक ने किसी अपने कस्टमर को लोन दिया ठीक है अब उस बैंक को लगता है यार अगर कर, अगर कल को इस कस्टमर को कुछ हो गया तो मेरा लोन का पैसा तो मर जाएगा मेरा पैसा तो वापिस नहीं आएगा तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेता है लोन के ऊपर कि अगर कल को इस आदमी को कुछ हो गया तो मेरा लोन का पैसा तो मुझे वापस मिलेगा तो अल्टीमेटली देखो जब तक उस आदमी को कुछ नहीं हो रहा तब तक वो लोन की पेमेंट तो कर ही रहा है ना वो लोन की पेमेंट तो कर रहा है लोन में कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा तो जैसे जैसे वो लोन की पेमेंट करता जाएगा वैसे वैसे जो टर्म इंश्योरेंस प्लान की कवरेज है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी समझ रहे हो क्योंकि लोन का अमाउंट कम हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसको प्लान को या कवरेज को भी कम करती जाएगी कि भैया अब तो तेरे को कम पैसा देना है ना बैंक को है ना तो वो आपका डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है जहां पर जो आपका रिस्क है वो रिस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए होता है और धीरे धीरे रिस्क विद टाइम कम हो रहा है ओके ये आपका एग्जाम्पल है आप इसको पीडीएफ के अंदर रीड कर लेंगे उसके बाद एक होता है आपका रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस प्लान जैसे अगर आपने एक बार में पंद्रह साल के लिए लिया तो कई इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप उसको रिन्यू करा सकते हो और रिन्यूअल जनरली सेम लेंथ का होता है जितनी ओरिजिनल लेंथ है अगर पंद्रह साल का था पहले तो दोबारा पंद्रह साल का हो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट टू एज लिमिट होता है कई बार इंश्योरेंस कंपनी कह देगी कि भाई आप सिर्फ साठ साल तक ही टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो उसके आगे नहीं या सिक्सटी तक की तो एज लिमिट का फैक्टर इसके अंदर रहेगा फाइनली आपका आ जाता है कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस प्लान इसको हम पहले भी समझ चुके हैं इसके अंदर क्या है कि आप अपनी टर्म पॉलिसी को होल लाइफ पॉलिसी या एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और उसमें फिर आपसे इंश्योरेबिलिटी का एविडेंस भी नहीं मांगा जाता तो परमानेंट प्रोटेक्शन मिल जाती है इसके अंदर तो इनिशियली हो सकता है कि वो हाइयर प्रीमियम नहीं पे कर पा रहा था बट अब पे कर सकता है तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्जन का लेकिन जो सिस्टम होता है वो ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज एक सर्टन टाइम पीरियड देते हैं कि भाई टर्म इंश्योरेंस लेने के दो साल के अंदर अंदर करा लेना या तीन साल के अंदर करा लेना ओके okay? सो so, टर्म इंश्योरेंस प्लान को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो वो अगेन पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करेगा तो दिस वॉज अबाउट टर्म इंश्योरेंस प्लान गाइज एंड ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो है वो निकल करके आएंगे उम्मीद करता हूं इस लेक्चर में भी आप लोगों को मजा आया होगा अभी आगे वाले लेक्चर में हम और भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान देखेंगे जैसे एंडोमेंट प्लान क्या होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को और आपने अपने डाउट्स पूछने हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप मेल जैसे मर्जी पूछो कोई दिक्कत नहीं है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय